Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hi guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने YouTube वीडियो के लिए इजी थंबनेल एडिट किस तरह कर सकते हैं। ये वो ऐप है जिससे आप इजी थंबनेल एडिट कर सकते हैं। इसका नाम है पिक्सल लैब, को प्ले स्टोर पर ईजीली मिल जाएगा। आपको यूज़ कैसे करना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डिफॉल्ट जो मिलेगा, सबसे पहले आपका ऐप खोलते यही मिलेगा। टेक्स्ट जहाँ पर करना है आपको वही चीज़ सबसे पहले मिलेगी आपको। और ऊपर जब वो जो पेंसिल का आइकन बना आ रहा है उस पर जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, या फिर आप किसी और ऐप से टेक्स्ट एडिट करके इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सब बहुत सारे यूट्यूबर ये भी करते हैं। आपको उस ऐप की लिंक चाहिए हो तो वही मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और फिर आप अपना यहाँ पे जो आप नीचे देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग बैकग्राउंड है। नॉर्मल जो यूट्यूबर है वो आपको जो पीछे बैकग्राउंड नॉर्मल वही यूज़ करते हैं। बाकी देख सकते हैं कितने सारे बैकग्राउंड है, कलरफुल 3D बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड। इस तरीके की शेडो है ना, इसको भी अभी आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा। अलग अलग तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फिलहाल वही टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। आगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कलर भी डाल सकते हैं आप। अपने कलर पे जाके आप सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे कलर वाले पे, और फिर सर्कल डाल देंगे। इसमें 3 शेड है, तो 3 अलग अलग शेड्स में वो एक ही कलर होगा पर वो 3 शेड्स में होगा, जिससे आप इसमें कलर डाल सकते हैं इजीली। आगे मैं आपको बता देता हूँ ऑप्टिकल से फॉन्ट, तो फॉन्ट भी एडिट कर सकते हैं आप इजीली। फॉन्ट जो भी आपको डालना हो, वैसे तो आप थंबनेल डालेंगे तो आप पहले से ही फॉन्ट से एडजस्ट कर लेना, इजी फॉन्ट एडिट कर सकते हो आप। और इससे मेरी जो 3D टेक्स्ट है इसमें आपको दिख रहा होगा, नहीं जो शेडो है ये 3D टेक्स्ट है, इसको भी शेडो एडजस्ट करके दिखा। और यहाँ पे जो आपको ये इंपोर्ट का आइकन दिख रहा है, इससे आप फोटो या इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी इमेज को आपको एडिट करना है, तो इजी है। यहाँ से आप पिक्चर साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और मेन चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा बाद में, वो बहुत मेन है, सबसे ज़्यादा मेन वही चीज़ है, लास्ट में बताऊँगा, पूरी वीडियो देखना। इसमें आप अलग अलग एरो डाल सकते हैं, स्नैप डाल सकते हैं, यहाँ से आप स्नैप डाल सकते हैं जो मेन फीचर है। तो जैसे दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन डालते हैं, पबजी की वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, ऐसे दो बंदों के नीचे भी बंदों की कन्वर्सेशन, आप इसके अंदर इसको पहले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, फिर जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर करिए और आप इजी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर ऐसे ही थंबनेल बनाते हैं, टेक्स्ट जो दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन रहती है, ऐसे प्लेन में बैठे होते हैं दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन रहती है, वो ऐसे ही टेक्स्ट डालते हैं। बिल्कुल आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ उसमें बिल्कुल कि टेक्स्ट कैसे एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल एडजस्ट करके टेक्स्ट, आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ब्राइटनेस के, कॉन्ट्रास्ट के। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लगभग एक ही चीज़ होती है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ब्राइटनेस को ज़्यादा प्रेफर करा करो कॉन्ट्रास्ट के बदले में, ब्राइटनेस ज़्यादा मैटर रखती है कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट आप ना करो तो उसमें ज़्यादा पिक्चर फट जाती है थोड़ी सी, आपको पता नहीं चलेगा, पर उसमें जब थंबनेल एडिट करोगे ना तो पिक्चर फट जाएगी थोड़ी सी, इसलिए कॉन्ट्रास्ट मत यूज़ किया करो। आगे मैं आपको बता देता हूँ और क्या करना है। इसमें आपको सेव इमेज का ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा, उससे आप इमेज सेव कर सकते हैं, सेव टू गैलरी कर सकते, इमेज सेव हो गई है इससे। तो आगे मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले जो आपका मेन ऑप्शन है ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करना है, फिर इमेज साइज पे जाना है। ये सबसे पहले करना है आपको थंबनेल एडिट करने से। सबसे पहले जब ऐप खोलेंगे इसमें कस्टमाइज में जाना है, तो यूट्यूब थंबनेल का एक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये बिल्कुल साइज़ होगा आपका जो यूट्यूब थंबनेल है उसके साइज़ का ही होगा, बिल्कुल सेम। और सबसे पहले आपको यही करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइस।